पहला दिन देर से निकलने के चलते मैं सिर्फ 340 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाया। मैं रात में इटावा के पास लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे में 102 माइलस्टोन के पास मोटल में रुका था। फ्रॉम गेट दिस इज टॉयलेट, दिस इज द रूम, डबल बेड, एमिनिटीज, AC is there, it's working more or less okay, TV, one cabinet, one shoe rack, the toilet, that's all, it's 1600 rupees total, at Itawa you can say. It's 8:14 now in the morning. We are now at 102 kilometers foot plaza, milestone foot plaza of Lucknow Expressway. There is a motel facility also. I had stayed tomorrow night in this motel. It's a good one. Not so fancy, but what they do, 1600 rupees, they are taking 1600 rupees per night. I had tried to start as early as possible, but as usual, due to some physical constraint, not able to start before 8. Now it's 8:15. I have ordered a coffee and some munchies. After taking those, we will start riding here. Hope I will start riding today around 9 o'clock, 9 a.m. or before that. After taking petrol, now our tank is full. We're again heading towards our destination. लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे में दूसरा पेट्रोल पंप आता है 217 माइलस्टोन के बाद। इस जगह में भी पेट्रोल पंप के साथ एक फूड प्लाजा है और जिसके साथ एक मोटल भी है। लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जितना भी ऐसे फूड प्लाजा या रेस्टिंग एरिया है, सभी के अंदर नीचे के फ्लोर में कन्वीनियंस शॉप और कुछ आइसक्रीम शॉप वगैरह है, और ऊपर जो है वो है रेस्टोरेंट एंड मोटेल एरिया। स्कूटर में भी पेट्रोल सफिशियंट था और उसके साथ मेरा 5 लीटर का कैन में भी पेट्रोल था, इसीलिए ज़्यादा टाइम और वेस्ट ना करके इस फूड प्लाजा में एक कॉफ़ी पिया और कुछ स्नैक लेने के बाद मैं निकल पड़ा
अपने मंजिल के ओर। लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक बैच स्पेसिफिकली फ्रॉम 239 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर बनाया गया है एज ए इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। इस स्ट्रेच का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एयरपोर्ट का जो रनवे होता है सेम स्पेसिफिकेशन का यूज किया गया है। इस पोर्शन में कोई माइलस्टोन या साइनेज नहीं मिलेगा। 2016 में इसे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया था with fighter jets like Mirage and cargo and transport plane like Super Hercules। बीच की जो ये road divider दिख रहा है ये भी है temporary है। ये जो temporary jersey barrier को अगर आप हटा दे तो that will functional as a complete airstrip। लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे खत्म होने के बाद इंटर किया लखनऊ शहर में। लखनऊ का आउटर रिंग रोड होते हुए हम रायबरेली की तरफ चल पड़े। दोपहर के 2:30 बज रहे थे इसलिए हमने लंच कर लिया कनकाहा जबरोली का एक ढाबे में।
रायबरेली क्रॉस करने के कुछ देर बाद ही करीबन 4:30 बजे अचानक से बारिश शुरू हो गया। पहले कुछ देर तक मैंने तो गाड़ी चलाया बारिश में, लेकिन अचानक से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और मुझे रुकना पड़ा। बारिश बंद हुआ करीबन 5:30 बजे। तेज़ बारिश के चलते मेरा सैडल बैग का सामान पूरा भीग चुका था और कैमरा में भी पानी घुस गया था, इसलिए मुझे व्लॉगिंग बंद करना पड़ा। मैं रात को 8:30 बजे के करीब इलाहाबाद जाके पहुंचा और उस दिन का ट्रिप उधर ही ख़त्म किया।